मेरा नाम अली रज़ा है और आज मैं एक एम्पलीफायर मॉड्यूल है TP3118 का 60 वॉट का, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था। इसमें जो चिप लगी है वो फेक है, मतलब ये जो चिप है इसके अंदर ये फेक है, ये 28 पिन चिप है, जबकि जो जेन्युइन TP3118 है वो 32 पिन है। ये दूसरा मॉड्यूल है, ये पुराना है, इसमें जो पिन हैं वो 32 पिन हैं और ये 28 पिन मॉड्यूल है, इस पर भी TP3118 लिखा हुआ है, जबकि जो इसकी डेटा शीट है उसमें 32 पिन की आईसी है, 28 पिन की नहीं है, और ये 28 पिन की है, उसका मतलब ये फेक है। अब मैं इसका आउटपुट पावर मेजर कर लूँगा कि कितना आउटपुट पावर है। ये कनेक्टर मैंने इस पर सोल्ड किए हैं, ये इस कंडीशन में आता है, और ये मैंने इस पर कनेक्टर लगा दिए ताकि आसानी से मैं इसको सप्लाई वगैरह दे सकूँ। ये 24 वोल्ट की सप्लाई है मेरी, इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि ये 24 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं। ये पूरे 24 वोल्ट हैं, 24.5 वोल्ट हैं, ठीक। अब मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ, ये इसका सप्लाई का कनेक्टर है, ये हमने इसको पावर अप कर दिया है, और ये जो है ये मैंने लैपटॉप से इनपुट लिया हुआ है, इसका लैपटॉप से ये इनपुट आ रहा है, और हमारे पास 4 ओम की ये 60 वोट जो है ना 4 ओम के स्पीकर में देगा, मतलब 4 ओम का स्पीकर हम इस पर लगाएंगे तो ये 60 वोट का आउटपुट देगा। अब ये मेरे पास ये रेजिस्टर है एक 50 वोट की, 4.7 ओम की रेजिस्टेंस है ये, ये 4.7 ओम की रेजिस्टेंस है, क्योंकि 4 ओम का स्पीकर मेरे पास नहीं था तो मैंने ये 4.7 ओम की रेजिस्टेंस ले ली है। अब मैं इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब मैं वहाँ से जो ट्यून है 1 kHz की, उसको मैं जैसे ही रन करूँगा, ये सिंपल अगर आप नेट वगैरह पे भी देखें तो ये आपको ये वाली जो वेबसाइट है इस पर ही मिल जाएगा, ऑनलाइन ट्यून जनरेटर, इस पर फुल वॉल्यूम करके अगर आप 100 पे करके वॉल्यूम, इसका जो ये वॉल्यूम है 100 पे किया हुआ मैंने, इसको करके आप किसी भी एम्पलीफायर को टेस्ट कर सकते हैं कि उसका आउटपुट पावर मैक्सिमम कितना है। अब ये आउटपुट पावर, ये यहाँ से मैं इसको रन कर दूँगा, पहले मैं अपना मीटर जो है इसको मैं एसी पे रख दूँगा, एसी वोल्ट पे, क्योंकि ये जो वोल्ट आएंगे इधर एसी वोल्ट आएंगे। अब मैं उसको रन करता हूँ, अब जो आउटपुट पावर है वो, ये जो हमारा वोल्ट मीटर है उस पर जो वोल्ट आएंगे वो 11.7, ठीक है, 11.7 वोल्ट। अब इसको कैलकुलेट किस तरह करेंगे हम आउटपुट पावर को, इसको मैं निकाल देता हूँ, और ये आईसी काफ़ी गर्म हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा ये हीटअप हो गई है आईसी, तो इसका जो फॉर्मूला है आउटपुट चेक करने का वो ये है कि 11.7 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि जो भी वोल्ट आए हमारे उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेम वैल्यू से, मतलब ये 11.7 था तो 11.7 हम देख लेते हैं क्या आएगा। कैलकुलेटर खुला हुआ मेरा, 11.7 x² 136.89 136.89। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे 4.7 से, ये हमारा सामने कैलकुलेटर खुला हुआ ये वैल्यू है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 4.7 ओम, क्योंकि जो हमारी लोड रेजिस्टर था वो 4.7 ओम का था, ही है 4.7 ओम का रेजिस्टर था ही है। ये 29 वोल्ट का आउटपुट दे रहा है, और जबकि इसकी डेटा शीट के हिसाब से, ये डेटा शीट है इसकी TP3118 की डेटा शीट है, इसके हिसाब से ये जो ये आप देख रहे हैं ये, इसके हिसाब से 24 वोल्ट 60 वोल्ट का आउटपुट देना चाहिए था इसको PBTL मोड में, ये अभी BTL मोड के लिखा हुआ, PBTL मोड में इसको
60 वॉट का आउटपुट देना चाहिए था, जो कि ये नहीं दे पा रही। ये ओनली 2.29 वॉट का आउटपुट दे रही है, जो कि इसके आउटपुट पावर से 50% कम है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।